ऊपर छोटी पर बादल फटने से जो है यहाँ मलबा रखा है और सारे खेत खेत है यहाँ पर, बहुत सारे खेत जो बर्बाद हो गए और वेरी हाई बन गए यहाँ पर, इसमें चला भी नहीं जा रहा है, दलदल है मिट्टी, पूरा दिन अंदर चला जाएगा इसके। और सामने पर है भगवान शंकर का मंदिर और आज जो है यहाँ पर गांव वाले मिलकर जो है भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। चलो देखते हैं भगवान शिव शंकर का पूजन और ब्राह्मणों के द्वारा पूजन हो रहा है यहाँ पर। सावन मास में जो है यहाँ पर कई तरह के फूल खिले हुए हैं तो यहाँ पर अलग ही माहौल बना हुआ है आजकल, और वैसे बरसात का समय और इसी तरह से जगह जगह फूल खिले हुए तो यहाँ पर जो है भगवान शंकर का पूजन भी चल रहा है तो शिव जी को पुष्प अर्पित करने के लिए। पूजन में कुछ सामान कमी होने के कारण खुतु जाना था और आगे जगह जगह रोड टूटी हुई है तो दिखाते हैं आपको रोड कहाँ कहाँ पर टूटी हुई है, वो किस तरह से जो है अत्यावश्यक सामान लाने के लिए हमको जाना पड़ता है। परेशानी के कारण जो है जगह जगह पेड़ आ गए, पत्थर आ गए और बाइक को इस तरह से जो है पार कर रहे हैं उठा उठा के। ये देखो आप, चल भाई लगाओ धक्का आराम से, ये देख लो बाइक को इस तरह से धक्का लगाना पड़ रहा है।
अब दूसरी जगह जो है दूसरा पेड़ गिर रखा, यहाँ पर भी बाइक को उठा के जो है पार करेंगे। गाड़ी के लिए तो कहीं है ही नहीं, बहुत सारे लोग बीमार हो रखे हैं, पैदल आ रहे हैं लोग, जगह जगह पत्थर आ रखे हैं रोड में। और सामने यहाँ पर जो है बादल फटने के कारण भारी क्षति हुई और ये मलमल से तो जो है रोड में आ रखा है। और इसे में जा रहे हैं हम वहाँ पर जहाँ सड़क टूट रखी है, रास्ता पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गया, लोग आर पार नहीं जा पा रहे हैं वहाँ से, तो देखते हैं वहाँ पर कितना टूट रखा है बादल फटने के कारण। जो है वहाँ पर पूरी जो है सड़क चली गई और बादल फटने के कारण जो है सारे खेत बह गए। और ये खेत यहाँ पर बड़े बड़े खेत थे, ऊपर बादल फटने से जो है यहाँ पर इतनी सारी लकड़ियाँ आ रही है यहाँ पर बहकर और सारे खेत बर्बाद हो गए। आगे जाने का रास्ता था यहाँ छानियों का और एक देखुरी गांव के लिए, और इसमें जा भी नहीं पाते हैं, इसमें जो है डूबा जा रहा है अंदर, दलदल हो गए ये बहुत। यहाँ ऊपर से आया ये, छोटी पर बादल फटने से जो है यहाँ मलबा रखा है, सारे खेत हैं यहाँ पर, बहुत सारे खेत जो बर्बाद हो गए और गहरी खाई बन गई यहाँ पर, इसमें चला भी नहीं जा रहा है, दलदल है मिट्टी, पूरा नदी में अंदर चला जाएगा इसके। और इस तरह से जो है इतनी गहरी खाई बन गई यहाँ पर, दुनिया भर का लकड़ी और मिट्टी आ रही है, पत्थर सारे भाग के आ गए ऊपर से। और यहाँ का नाम है देखने नामक टोक, यहाँ पर ये बादल फटने की घटना हुई। और यहाँ पर खेत थे, तो सारे खेत जो है यहाँ मलबे में तब्दील हो गया। और थोड़ी दूर पर यहाँ से जो है गांव है, दिनी गांव, अगर थोड़ा गांव के बीच में यम आ जाता, बादल फट जाता तो क्या दशा होती। यहाँ पर इतना खेत बह गए और जो है सिद्ध नदी तक जा रखा है, और यहाँ पर भी बादल फटा, सारे यहाँ पर खेत थे, नीचे जड़ी बूटी लगा रखी थी वो भी तब्दील हो गई मलबे में। और ये है GMDL के बंगले, और सामने पर है ये बरगनी गांव, इतना नज़दीक है, और ये बनी विवाह की चौकी है। और सामने जूनियर हाई स्कूल गंगी, ये है जूनियर हाई स्कूल गंगी। और सामने ये है गंगी गांव, यहाँ गांव से लगभग 200 से 250 मीटर की करीब दूरी पर बादल फटा और गांव यहाँ से नज़दीक ही था।